बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में खास सतर्कता बरती जा रही है। दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जवाद चक्रवात कल ओडिशा के पुरी से टकराएगा और उसके बाद उत्तर की ओर बढ़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों से यह टकराएगा और तूफान कमजोर पड़ जाएगा। तूफान के कारण आज आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा की 52 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि नुकसान की आशंका की वजह से 145 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जवा तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा के तटीय जिलों में पड़ने की संभावना है। पिछले 6 घंटे में चक्रवात जवाद उत्तर की ओर बढ़ा है और कल ओडिशा के पुरी के पास से पहुंचेगा। गोपालपुर के तटीय इलाकों का हमारे संवाददाता राधेश्याम आचार्य ने जायजा लिया है। धीरे धीरे समुद्र के किनारे की ओर बढ़ता आ रहा है चक्रवर्ती तूफान। इसके प्रभाव से उत्तर आंध्र दक्षिण उपकूल अतिक्रम करके 5 तारीख को पुरी में लैंडफॉल होने वाला था, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। जितना उम्मीद किया जा रहा था कि अब हवाएं की तेज 100 से 110 तक बहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। और जो गोपालपुर की बात हम बताएं, गोपालपुर में भी कल से थोड़ा बारिश देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे हवा भी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको ताजा जो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, गोपालपुर में भी जो समुंदर की जो पानी थोड़ा आगे बढ़ता आ रहा है और लहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना उम्मीद किया जा रहा था जो गंजाम, गजपति, पुरी और जगतसिंहपुर, ये चारों जिला को रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम कहें कि गंजाम जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी करके रखे है। गंजाम में तीनों NDRF टीम, तीनों ODRAF टीम और 30 अग्निशम वाहन पूरा प्रस्तुत होकर रहे हैं। कहीं भी कुछ भी नुकसान ना पहुंचे उसको लेके सब पूरे तैयार करके रखे हैं। और कल से 184 गर्भवती महिला को स्थानीय मेडिकल को शिफ्ट किया गया है। हर तरह का पूरा प्रस्तुत करके गंजाम एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है और गंजाम जिले में 184 जो बात्या आश्रय स्थल है उसको भी मौजूद करके रखा है। जब भी बारिश होगा सबको कैसे सुरक्षित स्थान पे स्थानांतरित किया जाएगा उसमें पूरा जिला प्रशासन तैयार करके रखा है। लेकिन जो उम्मीद किया जा रहा था कि गंजाम और पूरी जिले में उतना जो प्रभाव मिलेगा दिखने को, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया। जो उम्मीद किया जा रहा था उतना प्रभाव नहीं देखने मिलेगा। चक्रवर्ती तूफान धीरे धीरे वो अपना शक्ति खो बैठेगा और 5 तारीख को वो लैंडफॉल होने की जो संभावना था उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आया है। गोपालपुर से राधेश्याम आचार्य, जिबड़िया। कल पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों पर भी जवाद तूफान का असर देखने को मिलेगा। दीघा से जायजा लिया हमारे संवाददाता पूजा मेहता ने। चक्रवाती तूफान जवाद अब से कुछ ही घंटों में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर दस्तक देगा और उसके बाद ही जो कहा जा रहा है मेट डिपार्टमेंट की ओर से कि कल यानी रविवार को 12 बजे ये पहुंचेगा पूरी और उसके बाद ही बंगाल के कोस्ट पर बाद में पहुंचेगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ईस्ट मिदनापुर जिले की और हम है फिलहाल मंदारमनी बीच पर। आपको बता दें चूंकि अभी पीक टूरिज्म सीजन, इसलिए अभी भी दीघा की बात करें या फिर मंदारमनी की बात करें, यहाँ पर कई पर्यटक हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जो लगातार बीचों पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के पर्सनल तैनात है वो लगातार यहाँ से लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं, टूरिस्टों को जाने के लिए कह रहे हैं और एडवाइजरी चूंकि जारी की गई है कि कोई भी पर्यटक यहाँ पर बीच पर नहीं आ पाएगा क्योंकि कल जो है विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि एक राहत की खबर है कि जब ये दस्तक देगा कोस्ट पर, बंगाल की कोस्ट से जब टकराएगा तब जो है इसकी तीव्रता काफी कम होगी क्योंकि वो एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो पर्यटक आ रहे हैं उनको कहा गया है कि वो अपने होटलों से बिल्कुल ना निकले और साथ ही ये कहा गया कि बीच पर तो बिल्कुल नहीं आए। पेट्रोलिंग कर रहे हैं सिविल डिफेंस के जो यहाँ पे पर्सनल तैनात है। साथ ही हम आपको दिखाते हैं इस बीच पर आपको कोई भी नहीं दिखेगा क्योंकि यहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और साथ ही बीच से सटी हुई जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं और स्टॉल्स हैं उसे भी बंद करा दिया गया है और कहा गया है कि जब तक ये चक्रवाती तूफान का जो इफेक्ट है वो सबसाइड नहीं हो जाता, 6 तारीख तक जो है उन्हें ये एडवाइजरी को मानकर चलना होगा। और पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरी बीच यहाँ पर खाली है, कोई आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर पहुंचेगा चक्रवाती तूफान
तब यहाँ पर काफी क्षति पहुंच सकती है। इसलिए कोई भी जानमाल की हानि ना हो, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है और पेट्रोलिंग की जा रही है कि वो अपने होटल में ही रहे, और जो स्थानीय लोग हैं उन जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको भी इवैक्यूएट कराया गया है और साइक्लोन शेल्टर्स में उनको शिफ्ट कराया गया है। इस तुलनापुर मंदारमनी से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो रिपोर्ट्स आपने देखी हमारे संवाददाताओं की, और दोनों ही संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओडिशा के गंजाम जिले के तटीय इलाके ब्रह्मपुर से इस वक्त राधेश्याम आचार्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, और पश्चिम बंगाल के दीघा से इस वक्त पूजा मेहता संवाददाता हमारे साथ हैं। राधेश्याम, इस वक्त वहां किस तरह का मौसम है, विंड स्पीड क्या है और प्रशासन का अलर्ट? देखिए, जो अंदाजा किया जा रहा था चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर, उसमें थोड़ी बदरी बदलाव आया है। दोपहर से जो क्लाइमेट में थोड़ा चेंज आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश होने की दिखने को मिल रहा है, लेकिन विंड स्पीड उतना भी नहीं है। जो पहले कहा जा रहा था कि उत्तर अंदर और दक्षिण ओडिशा को मिलके पूरी पे 5 तारीख दोपहर को टकराएगा जो कहा जा रहा था, लेकिन अब लैंडफॉल होगा या नहीं उसकी संभावना नहीं है। जब भी लैंडफॉल होगा थोड़ी देर में ही वो समुद्र में मिल जाएगा। तो जो पहला अंदाजा किया जा रहा था कि जब लैंडफॉल होगा तब तबाही मचाएगी, 100 से 110 तक हवा की स्पीड रहेगी, उसमें भी बदलाव आ गया है। अभी जब पूरी में लैंडफॉल होगा तभी तो 50 से 60 या 70 तक हवा की तेज रहेगी। और गोपालपुर की हम बात बताएं तो गोपालपुर में अभी उतना भी हवा दिखने को नहीं मिल रहा है, बारिश थोड़ी ये हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो गंजाम एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे इंतजाम करके रखे है, जैसे 3 एनडीआरएफ टीम और 2 ओडराफ टीम, 30 अग्निशमन वाहन यहाँ पे तैनात रखे हैं, और 3 एनडीआरएफ टीम में से एक गोपालपुर, एक गंजाम और एक पात्रपुर, 3 जगह में तैनात है। तो अब तक जो गंजाम जिले के 226 जो गर्भवती महिलाओं को स्थानीय मेडिकल पे पहुंचा गया है, और अब तक 150 से ज्यादा जो किनारे के लोग है, किनारे और जो कोस्टल एरिया के लोग है उनको उच्च स्थान पे लेके रखा गया है, लेकिन उतना बारिश नजारा नहीं आ रहा है। इसलिए तो फिर भी गंजाम एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, वीडियो सब लोग, आप राधेश्याम ये बता रहे हैं कि न विंड स्पीड उतनी ज्यादा है ना बारिश उतनी ज्यादा है, कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, और आप ये बता रहे हैं कि संभावना इतनी है कि उतनी क्षति नहीं पहुंचाएगा ये जवाब। पश्चिम बंगाल के दीघा में क्या हालत है पूजा हमें बताएंगे। पूजा, इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं और वहां का प्रशासन कितना तैयार है जवाब के लिए? देखिए राजीव, आपको बता दें ये चक्रवाती तूफान जवाद जो है कल पूरी पहुंचेगा लगभग 12 बजे के आसपास, और उसके बाद ही बंगाल के तट की ओर ये आगे बढ़ेगा। हालांकि राहत की बात ये है कि मेट डिपार्टमेंट ने ये कह दिया है कि अब इसकी तीव्रता जो है वो बेहद कम हो गई है। चक्रवाती तूफान जो है जब आगे बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल पहुंचेगा तब ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि उतनी भी तेज हवाएं नहीं चलेगी, और जो है जो क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाक और चौबंद है। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंगाल के तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट करके साइक्लोन शेल्टर होम्स में शिफ्ट कराया गया है, और साथ ही अभी भी खतरा नहीं टला है उन लोगों के लिए जो तटीय इलाके में रहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि भले ही उस तीव्रता से हवाएं यहाँ पे नहीं चले, उतनी इंटेंसिटी नहीं हो स्टॉर्म की, लेकिन बारिश बेहद ज्यादा होगी, कुछ इलाके में तेज बारिश होगी और कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। तो जो लो लाइंग इलाके हैं वहां पर जल जमाव की परिस्थिति हो सकती है, इसलिए खासा ध्यान दिया जा रहा है उन लोगों पर जो तटीय इलाके में रहते हैं। फिर चाहे ईस्ट मिदनापुर की बात करें, वेस्ट मिदनापुर की, दक्षिण 24 परगना जिला हो या उत्तर 24 परगना का जिला हो। राजीव जी, पूजा आपका और राधेश्याम आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो कुछ यूं है कि हल्की बारिश है, और अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद उतना असर इसका नहीं होगा। साइक्लोन के नामकरण का जो इतिहास है वो आपके सामने है कि इसका नामकरण कौन और कैसे करता है, और 2008 में यूएई, ईरान, कतर और यमन भी इन संगठनों से जुड़े जो नामकरण करते हैं, और हर बार फिर नंबर एक मुल्क का आता है। साइक्लोन का नामकरण इस बार जवाद रखा गया है, और हर बार अलग देश इसका एक नाम रखता है। पर अब आपको दिखाते हैं चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर ओडिशा के तटीय इलाके में लोगों को सतर्क किया जा रहा है, कैसे लोगों से अपील की जा रही है आप देखिए। पानी बढ़ रहे हैं और ऊपर चले गए, हमारा रिक्वेस्ट है सब ऊपर चले जाइए, आप लोग बीच में मत आइए, सब ऊपर
बड़े बड़े लहर हो रहे हैं, अभी ज्वार भी हो रहे हैं। अब मत जाइए, मत ऊपर 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 चलिए भैया, तूफान जवाद के लिए ओडिशा में तैयारी चल रही है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आइए जानते हैं कि पुरी के जिलाधिकारी सामर्थ्य वर्मा ने क्या कहा। अपडेट मिला है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग कल करीब 12 बजे 5 दिसंबर अराउंड 12 नून पुरी के कोस्ट को टच करके जाने का फोरकास्ट है और विंड स्पीड भी अराउंड 70-80 मैक्सिमम रहने का फोरकास्ट किया गया। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी कोस्टल विलेजेस हैं उनके लोगों का इवैक्यूएशन कल से हो रहा है। ऑलरेडी करीब 1000 लोग साइक्लोन शेल्टर्स में जा चुके हैं और आज भी पूरा दिन इवैक्यूएशन किया जाएगा। हमारा लोकल पुलिस, BDOs, तहसीलदार सब लोग जाके इवैक्यूएशन फील्ड में करा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर लोगों की भी ड्यूटी दी गई है अलग अलग ब्लॉक्स में सुपरवाइज करने के लिए। तो देश के पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान जवाद तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस तूफान का असर देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर होगा। ऐसे में दोनों ही राज्यों की सरकार ने इसे लेकर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तूफान को लेकर पुरी के लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। पर यहाँ मौसम खराब होने की वजह से हम लोग का ट्रेन भी रद्द हो गया है, जिसके वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं और बस वाला भाड़ा भी 45,000 लगभग बोल रहा है, जिसका वजह से हम लोग को मुश्किल हो रहा है जाने में। तो दो दिन रहना पड़ेगा और इसी जगह पे आराम से। ये 2 तारीख से अंदर सब नाव ऊपर आके सब घर में ही बैठा हुआ। अभी बारिश, रात से बारिश शुरू हो गया, अभी सुबह तक बारिश है। देखा जाएगा कितना पवन बढ़ रहा है कि बारिश आ रही है। पहले 3 दिन का पहले हमको तूफान आने के लिए सूचना है और अधिकारी भी बोला टीवी में ऐसे देख के और नाव सब किनारे को लेके आया है। तो और कुछ है अंदर में? अंदर में कोई नहीं है, 3 दिन का पहले आ गया है। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।